दोस्तों आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप पे इजीली टीम व्यूअर यूज़ कर की जगह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके रिमोट पर लेके मीन्स एक जगह से ही बैठ के आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो टीम व्यूअर यूज़ कर एक ही जगह से आप उसको कंट्रोल करके यहीं से ठीक कर सकते हैं। कंप्यूटर या पीसी को हम रिमोट पे कैसे लेते हैं और उस पीसी को अपने स्क्रीन पे कैसे एक्सेस करेंगे ये आज हम इस वीडियो में टीम व्यूअर के थ्रू सीखेंगे कि टीम व्यूअर से कैसे एक्सेस करते हैं और रिमोट पे लेके हम इजीली यहीं से बैठे बैठे दूसरे के लैपटॉप या पीसी को एक्सेस कर यहीं से हम ठीक कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए क्लासी रेखा चैनल पे देखिए कि कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे गूगल में हम सर्च करेंगे टीम व्यूअर डाउनलोड। ये हमारा ऑफिशियल साइट टीम व्यूअर विंडो डाउनलोड आ चुका है तो क्लिक करना होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए, विंडोज़ में है, लाइनक्स में है, किसमें खोलना है, तो इसको हमको विंडोज़ में खोलना है। विंडोज़ के लिए विंडोज़ के लिए भी इसमें आ गया बहुत सारा कि 32 बिट में करना है या 64 बिट में। तो हमारा जो सपोर्ट करेगा 64 और 32 उसमें अपना इंस्टॉल कर देंगे। 64 बिट वर्जन या 32 बिट वर्जन पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप पे। देखिए इस तरह का आ गया, रन करना होगा। अब इसमें दे रखा है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करना है। देखिए इंस्टॉलेशन अब शुरू हो गया है, इंस्टॉलिंग हो रहा है और इंस्टॉलिंग कंप्लीट के बाद एक दिखाया गया आई वांट टू यूज़ द फ्री वर्जन, तो हमको सेकंड वाला चूज करना है कि फ्री वर्जन फॉर पर्सनल यूज़, फ्री वर्जन फॉर पर्सनल यूज़। इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह का, फिर इस तरह का आपका डेस्कटॉप पे ये आ जाएगा, अलाउ रिमोट कंट्रोल, और एक इसमें शॉर्टकट भी बन गया हमारा अलाउ रिमोट कंट्रोल और कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर। तो जिस पीसी का भी या जिस लैपटॉप को भी जिसका भी हमको रिमोट पे लेना उसका देखिए हम आईडी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। आईडी टाइप करने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट का बटन को देखिए रिमोट कंट्रोल कनेक्ट। कनेक्ट करने के साथ ही जिस लैपटॉप को कनेक्ट करना है उसको एक पासवर्ड होगा, उसका हमको पासवर्ड देना है यहाँ पे। आईडी और पासवर्ड, तो आईडी तो मैंने दे दिया, अब उसका पासवर्ड दे रहे हैं। पासवर्ड देने के साथ ही देखिए हमारा क्या होता है, देखिए कनेक्टिंग, देखिए कनेक्ट हो गया ये हमारा। देखिए ये हमारा जो दूसरा, ये हमारा जो मेनू आ रहा है, ये हमारा उस दूसरे लैपटॉप का ये हमारा कनेक्ट हो चुका है और उसका ये मेनू यहाँ पे उस कंप्यूटर को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अब इस लैपटॉप से हम उस लैपटॉप का सारा चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्टॉल और जो भी प्रॉब्लम है उसमें ठीक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फाइल को। देखिए कॉपी हम यहाँ से कॉपी लिए इससे, और जो रिमोट पे हमारा है देखिए वहाँ पे हम जाके पेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पेस्ट हो रहा है, वहाँ देखिए पेस्ट हो गया। यानी कि इस लैपटॉप से उस लैपटॉप पे सारा एक्सेस कर रहे हैं। अब देखिए एक और इसमें ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक हमारा देखिए ये वीडियो एक हमारा है उस पर हम एक वीडियो चलाए, वीडियो क्लिप। देखिए दूसरे लैपटॉप पे हमारा ये ऑटो चल रहा है, मीन्स एक जगह से हम जो कंट्रोल कर इस लैपटॉप से कंट्रोल कर रहे हैं उस लैपटॉप का एक्सेस देखिए सामने दिखा, लाइव दिखा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद ये हमारा अब उस लैपटॉप से ये कनेक्टिविटी अब टूट चुका है, यानी कि अब हमारा उससे डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो यही था सारा प्रोसेस रिमोट पे लेकर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को एक्सेस करने का। अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।
और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, एक लाइक तो बनता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।